जो व्लॉग है कुछ इस तरह का होने जा रहा है कि मैं जो है आज शरबत बेचने जा रहा हूँ। वो शरबत कोई आम नहीं है, शरबत जो है मोहब्बत का शरबत है। मेरा दिल कर रहा है YouTube छोड़ के यही लगा लूँ जितना पाकिस्तान का CPM है ना, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। आप सोच ले अगर मैं गर्मी वाले दिन लगाता तो इससे जो है 4000 कमाना है, चुटकियों का काम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान रफीक। आज का जो व्लॉग है बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। आज का जो व्लॉग है कुछ इस तरह का होने जा रहा है कि मैं जो है आज शरबत बेचने जा रहा हूँ। वो शरबत कोई आम नहीं है, शरबत जो है मोहब्बत का शरबत है। आपको पता है कि मोहब्बत का शरबत कितना अच्छा होता है, तो उसको बेचेंगे। तो ये देख लें हमारे मोहब्बत का शरबत जो है इधर लगा हुआ है। अभी जो है हमने स्टार्ट ही किया है, तो 3 कस्टमर आ गए हैं तो उनको दिया है, और उसके बाद हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं बाकी कस्टमर का। देखते हैं कौन कौन आता है और बेचते हैं मोहब्बत का शरबत, दिल्ली का मशहूर शरबत। ये हमारे इस दुकान का नाम जो हमारे यहाँ यह ठेला है। बहुत अच्छा यार, आप इसका हुक्म लगा और दूसरी चीज़ें डाली हुई यार, बहुत शुक्रिया यार। ये हमारी तारीफ कर रहे हैं भाई। अंकल ये अभी चल ऑर्डर रखा रोक कर आए हैं हमारा ये जो वीडियो में देख ही रहे हैं कि रक्षे वाले, लोडर रक्षे वाले, वैगन वाले, मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले सब जो है हमसे शरबत ले रहे हैं, और पीछे रह क्या गया है?
देख रहे हैं आप। खड़े गर्मी लग रही है, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही इधर। और पुल के नीचे इसकी वजह से ना यहाँ पर शोर थोड़ा ज्यादा है, गाड़ी गुजरती है ना तो उसका शोर जो है बहुत ज्यादा ही होता है। यहाँ पर जो है सिर्फ हम नहीं खड़े हुए, हमारे अलावा जो है ना यहाँ पर मौसमी वाले भी 2-3 खड़े हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर लगाई हुई है। हमारा तो ये रक्षा टाइप का उनका जो है दूसरी किस्म का ठेला है। इसमें जो है क्या क्या मिलाया है, तुख मलंगा डाला हुआ है, बादाम, संदल का शरबत, चीनी और उसके बाद कोन का शरबत वगैरह, कतीरा भी इन्होंने डाला हुआ है, चार महद भी सब कुछ डाला हुआ है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट इतना बढ़ गया ना, गाड़ियों से रुक रुक के वाम ले लिया। और उसके अलावा जो हमने फ्लैग पर लिखाया ना मोहब्बत का शरबत, दिल्ली का मशहूर शरबत, उसकी वजह से भी काफ़ी वाम आ रही है। सबका ठेला डाला है, आज जो था ना इतनी जो है ना धूप वगैरह नहीं थी, मौसम ठंडा था, जिसकी वजह से हमने एक ही डाला है, नहीं तो आगे पीछे 2-3 डाले जाते हैं इससे। कितना प्रॉफिट, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, कितना मुझे ये इस टॉपिक पर काम करते करते कितनी देर हो गई है, सारा आपको बताऊंगा कितनी देर का ये मैंने सोचा हुआ था। मेरा दिल कर रहा है यूट्यूब छोड़ के यही लगा लूँ, जितना पाकिस्तान का ZPM है ना, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं माशाल्लाह इसे खरीदने के लिए। हमने जो है 1 घंटे में 16 ग्लास बेचे थे, ये वो भी शरबत के, तो आप हिसाब लगा ले, जो हमारी कॉस्ट थी वो 300 रुपया थी, प्रॉफिट जो हुआ है ना वो हमारा 180 रुपये हुए, एक ग्लास जो था वो 30 रुपये का था। अगर जो है यही चीज़ हम 8 घंटे लगाते हो तो दिन में जो है हम 1100 सुकून से कमा लेते हैं, ये ऐसे ऐसे सुकून से हमने कमा लेना था, क्योंकि मैंने हिसाब लगाया ना, क्योंकि हम जब वहाँ पर खड़े थे ना बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर आके ले रहे थे, और आसपास जो था ना इतने जूस वाले नहीं थे।
ये देख रहे हैं, जिस दिन मैंने शरबत लगाया ना उस दिन जो है गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, मौसम ठंडा था। और अगर आप सोच ले अगर मैं गर्मी वाले दिन लगाता तो इससे जो है 4000 कमाना है, छुट्टियों का काम है, आप बैठे बैठे आप 4000 कमा लेते हैं तो अगला जो है बिजनेस का व्लॉग जो है ज़रूर आएगा। तो अल्लाह हाफिज़ मिलियनेयर।